दोस्तों, साल 2017 में आई फिल्म बादशाह तो आपने देखी ही होगी, जो कि एक एक्शन और हिस्टोरिकल फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी साल 1975 में आपातकाल के दौरान जयपुर की रानी गीतांजलि के महल में छापा पड़ता है। इस फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प थी, जिसकी वजह से इस फिल्म की कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। साथ ही फिल्म में काम करने वाले कलाकार अपने अभिनय से काफी प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन आप उन कलाकारों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप उनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं, जो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के कुछ कलाकारों की रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन से है वे कलाकार और उनके रियल लाइफ पार्टनर। शरद केलकर। दुर्जन सिंह का किरदार अभिनेता शरद केलकर ने निभाया था, जो कि एक नकारात्मक किरदार था। इस किरदार को इन्होंने काफी अच्छे से निभाया था। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम कृति गायकवाड है, जो कि इन्हीं की तरह एक अभिनेत्री हैं, जिनसे इन्होंने साल 2005 में शादी की थी, जो कि एक लव मैरिज थी। इस शादी से इन्हें एक बेटी है, जिनका नाम केशा है। विद्युत जामवाल। एक्शन किंग विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में मेजर सेहर सिंह का किरदार निभाया था, जो कि जब्त किए हुए सोने को ले जाता है और रानी गीतांजलि को अवैध माल रखने के इल्जाम में हिरासत में ले लेता है। इस किरदार को इन्होंने काफी अच्छे से निभाया था। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो आपको बता दें इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर ये मशहूर अभिनेत्री मोना सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन अचानक मोना सिंह का एक MMS वीडियो सामने आ गया था, जिसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ईशा गुप्ता। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने इस फिल्म में संजना का किरदार निभाया था। इस फिल्म में ये भवानी की टीम की ही एक सदस्य होती हैं और जब्त किया हुआ सोना लाने में उसकी मदद करती है। इस किरदार को इन्होंने काफी अच्छे से निभाया था। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति के बारे में, तो आपको बता दें इन्होंने अभी तक शादी नहीं की, पर एक समय पर ये फैशन डिजाइनर निखिल थम्पी के साथ रिलेशनशिप में थे, पर एक गलत फहमी के चलते ये जल्द ही अलग हो गए। इमरान हाशमी। अभिनेता इमरान हाशमी ने इस फिल्म में डालिया का किरदार निभाया था, जो भवानी का जिगरी दोस्त होता है और उसके हर कदम पर मदद करता है। इस किरदार को इन्होंने काफी अच्छे से निभाया था। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम परवीन सहानी है, जिनसे इन्होंने साल 2006 में लव मैरिज की है और आज इनका एक बेटा भी है, जिनका नाम अयान है। इलियाना डिक्रूज। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज ने इस फिल्म में रानी गीतांजलि का किरदार निभाया था, जिसके पास बहुत सारा अवैध सोना होता है, जिसका पता जब पुलिस को चलता है तो वो इनका ये सोना जब्त कर लेते हैं और उसी को वापस लाने के लिए ये अपने अंगरक्षक भवानी को भेजती है। इस फिल्म में इनका ये किरदार एक नकारात्मक किरदार था। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति के बारे में, तो इनके पति का नाम एंड्रयूज निबोन है, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, जिनसे इन्होंने पिछले साल बिना किसी को बताए छुपकर शादी कर ली थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर फोटोग्राफर है। तो दोस्तों, आपको इन सभी कलाकारों में से किस कलाकार की उसके रियल लाइफ पार्टनर के साथ जोड़ी अच्छी लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।